Okay, so hi guys. I trust each and everyone who is watching this video is safe at home and aap aapke family ke sath safe and basically padhai kar rahe ho, sabse important, kuch hi din baki hai. So as told to you, as promised to you, I am back with 90 days action plan for the subject of BCK paper number 4B, jo economics ke sath hota hai, business कमर्शियल नॉलेज, राइट. सो CA फाउंडेशन नवंबर 2020 का जो भी स्टूडेंट है, जो भी एनी स्टूडेंट हु इज अपियरिंग और हु विशेस टू अपियर फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन कैन वॉच दिस वीडियो एंड टेक द बेनिफिट फ्रॉम द कंटेंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो. सो गाइस, इसमें मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, पहले तो चैप्टर वेटेज क्या है एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट, एज रिकमेंडेड बाय ICAI, ये डिस्कस करेंगे. नंबर टू, वी विल सी सम फ्यू इनसाइट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. देन आई हैव टू केसेस विद मी. केस नंबर वन, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो वी स्मार्ट का स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, बट ही इज गिविंग एग्जामिनेशन इन नवंबर 2020, कैन, इफ ही इज कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट रीडिंग, जो पहली बार हम सब्जेक्ट को देखते हैं, ये अगर 31 अगस्त तक कंप्लीट होता है तो उसको मैं केस वन में डाल रहा हूँ. केस टू में उसको डाल रहा हूँ जो 30 सितंबर तक उसकी स्टडीज कंप्लीट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट रीडिंग, जो बेसिक रीडिंग होती है, चैप्टर को, सब्जेक्ट को समझना होता है, उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ. सो टू केसेस हमने कवर किए हुए हैं एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्या ये सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कितना प्रेशर इस सब्जेक्ट पर डाला जाए. सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो ऑन टू चैप्टर वाइज वेटेज. आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे चैप्टर वाइज वेटेज, देयर आर सिक्स चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस. नंबर टू, बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में बात किया है. नंबर थ्री, इट सेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. नंबर फोर, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ. नंबर फाइव, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस. एंड नंबर सिक्स, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. अगर आप देखोगे वेटेज के कॉलम में टोटल 40 मार्क्स है, 40 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो लगभग 6.6 या 6.7 होता है, एंड दिस इज व्हाट इज द वेटेज. सो वी कैन से यस गाइस दैट ईच एंड एवरी चैप्टर इज समवॉट इज हैविंग इक्वल वेटेज एज फार एज द वेटेज दैट इज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट बाय ICAI. सो यहाँ पे तो एकदम क्लियर है. मैंने यहाँ पे कुछ बाइफरकेशन किए हैं. तीन चैप्टर्स, चैप्टर वन, टू और फोर, इसको मैंने ग्रीन कलर में मार्क किया हुआ है. चैप्टर नंबर थ्री को मैंने रेड कलर में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ है, आपको शायद रीजन पता है. एंड चैप्टर नंबर फाइव, सिक्स आर अगेन इन अ ब्लू कलर, यू कैन से. सो इसका मतलब क्या है, देखो जो पहला, दूसरा और फोर्थ चैप्टर है, दीज आर मोर कंसेप्चुअल बेस्ड. पहले चैप्टर में बताया गया कि बिजनेस क्या है, दूसरे चैप्टर में बिजनेस के आजू बाजू में क्या क्या लोग होते हैं, कौन कौन चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है, ये सब बताया गया है. एंड नंबर फोर में, राइट बिफोर द इंडिपेंडेंस, इनफैक्ट आई वुड से, और इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक का जो जर्नी रहा है, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, सो दैट देयर इज अ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड बिजनेस ग्रोथ इन आर कंट्री, इसके ऊपर फोकस किया चैप्टर नंबर फोर में. बहुत प्यारा चैप्टर है, काफी अच्छा, एक प्रॉपर स्टोरी की तरह है वो चैप्टर. सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो इस तरीके से चैप्टर नंबर फोर भी यहाँ पे कवर्ड है. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट चैप्टर फाइव एंड चैप्टर नंबर सिक्स, कंसेप्चुअल है थोड़ा, यस, बिकॉज मुझे चैप्टर फाइव में ऑर्गेनाइजेशन समझने हैं, चैप्टर सिक्स में मुझे समझना है कि एक्चुअल में कुछ जो टर्म्स होती है, यानी कि शेयर मार्केट में उसको डिवाइड किया गया है, उसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड किया गया है, चार पार्ट्स में डिवाइड किया, शेयर मार्केट, बैंकिंग, अदर्स एंड मार्केटिंग, ऐसे चार अलग अलग सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पर समझना भी है बट याद भी रखना है. अगेन चैप्टर नंबर फाइव में समझना भी है बट याद भी रखना है. वेर इज चैप्टर वन, टू, फोर, सिर्फ समझना है, समझने से ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है नहीं, आपको याद करने की जरूरत ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो जरूरत नहीं है. चैप्टर नंबर थ्री आपका सबसे फेवरेट चैप्टर. सर ऐसे क्या बोल रहे हो, यस बेटा, 40 कंपनीज ओवरऑल है. सो यहाँ पे काफी चीजों पे फोकस करवाया गया है. एंड अगेन व्हेन आई विल कम ऑन टू द इनसाइट ऑफ द सब्जेक्ट, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने इसको रेड क्यों मार्क किया हुआ है. सो अगर इसको समराइज किया जाए, कंक्लूजन इज दैट इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल द चैप्टर्स. एंड नंबर टू, थ्री कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर्स है, वन, टू और फोर, एक फैक्चुअल बेस्ड है पूरी तरीके से, और बाकी जो दो है, जो फिफ्थ और सिक्स्थ है, ये कंसेप्ट फॉलोड बाय फैक्ट्स, ऐसे वाले चैप्टर्स है, राइट. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, अब देखते हैं थोड़े से इनसाइट सब्जेक्ट के बारे में, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्वेल्थ पास किया हुआ है, या मे बी अगर कोई ये वीडियो को देख रहा है जिसका 11th क्लियर हुआ है या 10th क्लियर हुआ है बट सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर रहा है, आपके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले तो बिजनेस के बारे में सब कुछ, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट बिजनेस विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. नंबर टू, समझना है कि कुछ फाइनेंशियल टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स और कमर्शियल, जो कमर्शियल लैंग्वेज के लिए जो टर्म्स यूज होती है, ये सब यहाँ पे कवर की गई है. नेक्स्ट इज थर्ड वन, जर्नी ऑफ इंडियन पॉलिसीज, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर देयर टू बूस्ट द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, विच इज अनएवर टू मिस वन. सो जैसे कि मैंने बोला, बहुत प्यारा सब चैप्टर है ये, इसको अच्छे से कवर किया हुआ है. एंड देन फोर्थ,
thing that I would like to highlight is 40 MNCs, multinational companies. इसमें से कुछ इंडियन कंपनीज है, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनके बारे में पूरा डेटा कवर किया गया हुआ है यहाँ पे. सो अगेन यस, यहाँ पे ऐसा भी है कि यार ये कंपनी क्या करती है, कंपनी के सेगमेंट्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, कंपनी किस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी का सीईओ कौन है, की मैनेजरियल पर्सन कौन है, ये सब चीजें यहाँ पे कवर की गई है. सो यस, नाउ बेसिकली हाउ अ बिजनेस वर्क्स, व्हाट इज अ बिजनेस एंड हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, ये सब कवर किया है बीसीके में. मूविंग ऑन, अगर मैं बात करता हूं केस नंबर वन वो स्टूडेंट की हु इज टारगेटिंग टू कंप्लीट हिज फर्स्ट रीडिंग, दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. और एक बार लेक्चर्स देख के जो हम बोलते हैं ना, ये चीज जो है ये 31 अगस्त के पहले अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक ड्राफ्ट टारगेट्स मैंने आपको दिए हुए हैं. से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट रीडिंग 31 अगस्त तक है. सेकेंड जो पॉइंट हमको देखना है वो है फर्स्ट रिवीजन, एक बार रिवाइज करना, पहली बार पूरी चीज पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करना, ये टेंटेटिवली 15 सितंबर तक आपको हो जाना चाहिए. उसके बाद जो सेकंड रिवीजन होता है ये 30th सितंबर टारगेट करो, 15 दिन बाद. सो 15 दिन फर्स्ट रिवीजन, 15 दिन सेकंड रिवीजन, इसमें आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो. एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स को ये टारगेट्स एप्लीकेबल है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स वो नहीं जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की, ये स्टूडेंट्स वो है जो ये वीडियो देख रहे हैं बट इनका ऑलमोस्ट 50-60-70-80% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, मोर देन 50% वाले, बिकॉज ओनली यू पीपल विल बी एबल टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ बीसीके बाय 31st of August. उसके बाद एक बार मैराथन रिवीजन करना है और एक बार उसका पेपर सॉल्व करना है. मैराथन रिवीजन यानी क्या, एक दिन में एक टाइम पे एक पेपर सॉल्व करने के पहले आपको पूरी चीज पढ़नी है, राइट. सो इसके लिए अगेन 10 दिन दिए हुए हैं, उसके बाद के 10 दिन सेकंड मैराथन सेकंड मॉक टेस्ट, राइट. इतना सब आपको कवर करना है, ये पांच चीजें कवर कर लेना बीसीके में आपको तूफान मार्क्स मिलने वाले बेटा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 35+, 37+, 40 मार्क्स भी मिल सकता है, आउट ऑफ मिल सकता है क्या सर, यस मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप कहां पे भी स्कोर अच्छे से कर सकते हो इस चीज पे. सो दिस इज व्हाट इज द प्लान फॉर यू. बट अगेन यस, डिस्क्लेमर मैं यहां पे दे रहा हूं, अभी जो सेशन ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आपको गाइडेंस रेफरेंस जरूर मिलेगा, बट एक्यूरेटली प्लान करने के लिए आपके टारगेट्स आपके हिसाब से, आपके पढ़ाई के हिसाब से, आपके स्वॉट एनालिसिस यानी कि आपके स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स के हिसाब से ये चीजें डिफर कर सकती है थोड़ी एकदम स्लाइट बेसिस पे. एंड वो टाइम टेबल हम लोग 1-to-1 अपने अपने साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने जूम सेशंस के बाद, जो लोग जूम सेशंस या लाइव प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर रहे हैं मेरे, या फिर अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो 7887-7871-0 पे, हम लोग वहां पे इसके बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं. पहले आपने प्लान बनाना है फिर मेरे साथ डिस्कस करना है. मूविंग ऑन टू केस नंबर टू, केस नंबर टू उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फर्स्ट रीडिंग यानी कि फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग पहली बार लेक्चर देख के जो हम बोलते हैं हो चुका है, यही हो रहा है 30th सितंबर तक, जिन्होंने शायद 12th के रिजल्ट के बाद एनरोल किया होगा और पढ़ने के लिए स्टार्ट किया होगा. सो बेसिकली अगर मैं वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स की बात करूं, जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स है जो पहले से ही अटेंड कर रहे हैं अप्रैल में से, उनका जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था वो 99% टेंटेटिवली अपार्ट फ्रॉम यू कैन से एक्सेप्शनल केसेस वो चीज फॉलो होगी, और जो रिविजन वाले हैं उनके लिए ये चीज फॉलो होगी. तो इवन आपका बीसी के जो रिविजन बैच चल रही है ये भी टारगेट होकर 30th सितंबर तक खत्म हो जाएगा, राइट. उसके बाद पहले 10 दिन में आपको फर्स्ट रिविजन निपटाना है. अभी देखो यहाँ पे टाइम कम मिल रहा है आपको, 7 दिन में दूसरा रिविजन निपटाना है, फिर 5 दिन में मैराथन, और फिर अगले 7-8 दिन में आपको दूसरा मैराथन. दिस इज वॉट समवेयर योर टेंटेटिव प्लान वुड लुक लाइक. अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूं, यहां से एक्यूरेट चीज नहीं उठानी है, आपको इंडिपेंडेंट बेसिस पे इस चीज को देखना है, राइट. सो यहां तक हमने यू कैन से केस वन केस टू डिस्कस कर लिया है. अब बात करते हैं इज दिस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट. यस, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. अगर इकोनॉमिक्स टफ गया है तो भाई 40 मार्क कौन लाएगा, बीसीके में आपको हेल्प करेगा, राइट. बीसीके आपको हेल्प करेगा 40 मार्क्स मिनिमम लाने के लिए सब्जेक्ट में पास होने के लिए. अगर इकोनॉमिक्स भी अच्छा आया है तो कोई तो पेपर जो खराब गया होगा आपका. यूजुअली मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट यूजुअल ऑब्जर्वेशन जो है, रैंकर्स होने दो या कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट होने दो, हर स्टूडेंट का यूजुअली ऑब्जर्वेशन यही होता है कि फाउंडेशन में एक पेपर कोई तो भी या तो सच में टफ आता है या तो उसके लिए थोड़ा सा टफ जाता है, एक हाथ पेपर में थोड़ी बहुत कम मेहनत कर लेते हैं हम. सो उसकी वजह से जो आपका वहां पे शायद प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको बीसीके हेल्प करेगा यहाँ पे, राइट. सो इफ इकोनॉमिक्स इज गुड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 70 मोर देन 80 विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर एग्रीगेट मार्क्स, राइट, आउट ऑफ 400. सो ये थी चीज यहाँ पे. एंड यस, चैप्टर नंबर 3 की जो मैंने बोला था मैं बात कर लेता हूँ एक बार. सो अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूँ तो बेटा मैंने यूट्यूब चैनल सी ए फाउंडेशन वी स्मार्ट पे आपके पास पूरे एग्जाम रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल है.
करीबन 25 से 27 घंटे लगेगी आपको, आप उनको देख सकते हो एंड कंप्लीट कर सकते हो। नंबर टू अगर मैं बात करता हूँ जो है कि अगर आपके डाउट्स है हम लोग व्हाट्सएप पे सॉल्व कर सकते हैं 7887 7887 10, काफी इजी नंबर, याद भी हो गया होगा आपको। एंड यस, हमारे रिविजन सेशन चालू है, 2 सेशन हो चुके हैं बीसी के सब्जेक्ट के, इसके बाद अगला होने वाला है। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे सीए फाउंडेशन वी स्मार्ट सर्च करना होगा। एक बार आप उस पर एनरोल हो जाते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, आपको वहाँ पे डेली या वीकली जो शेड्यूल है प्लस जो लिंक होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको वहाँ पे डाला जाएगा एंड इट इज अगेन फ्री फॉर एवरीवन। सो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो मैंने समझी आपको बोल दूं। चैप्टर नंबर 3 में जो समरी चार्ट होता है, मैंने एक समरी चार्ट बनाया है जिसमें आप इजीली सब चीजें देख सकते हो एंड रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली एक 5-6 पेजेस के अंदर बनाया हुआ है वो, आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो जो चीज है, वो चीज के लिए आप अगेन चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, बीसीके में जाओ, पहली वीडियो है समरी की 10 मिनट की, उसके नीचे एक डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर चले जाओगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है गाइस, चलो आई होप मैंने आपके जो डाउट्स है, जो 90 डेज का प्लान है, इसको थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, होल वी स्मार्ट अकेडमी, होल वी स्मार्ट टीम ऑफ सी ए फाउंडेशन, ऑल दी फैकल्टीज आर ऑलवेज देयर विथ यू। आपको कहीं भी कुछ भी लगे, अब बस नाम पुकारना, हम आ जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।